वेलकम बैक अगेन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम के ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और इनकी एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। और इन कैरेक्टर्स को आप यूज करें या ना करें, जितने भी टूर्नामेंट प्लेयर हैं और जितने भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सभी लोग इन कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज करते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और आपके सामने भी है लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन कैरेक्टर का यूज नहीं किया होगा, तो वो वाले कैरेक्टर कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा। तो जो हमारी लिस्ट में सबसे पहला कैरेक्टर है उसका नाम है नटोरा कैरेक्टर। अब नटोरा कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है? नटोरा कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही सिंपल है। ये वाला कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं। नटोरा कैरेक्टर व्हीकल पर वर्क करती है, जब तक आप व्हीकल पर बैठे रहेंगे तब तक आप लोगों को एवरी 2 सेकंड में 5 HP देती रहेगी और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है और कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं है। तो ये वाला कैरेक्टर आप लोगों को सर्वाइव करने के लिए बेस्ट हो सकता है और इस कैरेक्टर को जून सर्वाइव करने वाले सभी यूट्यूबर यूज करते हैं। इस कैरेक्टर के ऊपर हमें डेडिकेटेड वीडियो बना दिया और बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताया है, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। अब जो हमारी लिस्ट में दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है मीसा कैरेक्टर। अब मीसा कैरेक्टर इतना खतरनाक क्यों है? एक तो मीसा कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है और उसके साथ में मीसा कैरेक्टर को टूर्नामेंट वाले प्लेयर तक यूज करते हैं। आप लोग बैकग्राउंड के गेम प्ले में भी देख पा रहे हैं, ये वाला जो गेम प्ले चल रहा है वो एक टूर्नामेंट प्लेयर का चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं इसने मीसा की एबिलिटी का यूज किया है। अब इसने मीसा की एबिलिटी का यूज क्यों किया है? जो मीसा कैरेक्टर है वो आपकी व्हीकल की स्पीड को 20% से बढ़ा देती है। आप लोगों को पता होगा जो भी मोटरसाइकिल जो भी बाइक होती है वो आप लोगों 125 से 130 की स्पीड प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आप मीसा कैरेक्टर की एबिलिटी के साथ बाइक चला रहे हैं जो कि आप बैकग्राउंड के गेम प्ले में भी देख पा रहे हैं तो आपकी स्पीड 20% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 150 तक आपकी जो स्पीड है वो बढ़ा देती है। और उसके साथ में इसकी एबिलिटी अभी खत्म नहीं होती है, इसकी एबिलिटी आप लोग देख सकते हैं जैसे ही जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है उसमें ये एनिमी के पास खुद से ही जा रहा है बाइक लेकर के, लेकिन फिर भी जो एनिमी है इसके ऊपर एम नहीं कर पा रहा है, यानी कि जब तक आप इसके ऊपर व्हीकल के ऊपर बैठे रहेंगे तो आपका एनिमी आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से एम भी नहीं कर पाएगा और उसके साथ में अगर एम करके डैमेज भी देता है तो 30% कम डैमेज पड़ेगा। अगर AWM का फटका भी अगर आपको मारता है तो 150 का डैमेज आपको पड़ेगा ही नहीं, आपको 100 से भी कम का डैमेज पड़ेगा। तो ये वाला कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस और इस कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज आपने किया भी नहीं होगा। अगर आप फुल मैप बहुत ही ज्यादा खेलते हैं तो आप लोगों को मीसा कैरेक्टर की एबिलिटी का अभी के अभी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर गोल्ड में अवेलेबल है, तो आप लोग अभी के अभी स्टोर में जाकर के इसको बाय कर लें। ये वाला कैरेक्टर एक बेस्ट कैरेक्टर साबित हो सकता है। अब जो हमारी लिस्ट में जो तीसरा कैरेक्टर है उसका नाम है कपेला कैरेक्टर। अब कपेला कैरेक्टर को मैंने तीसरे नंबर पे क्यों रखा है और ये वाले कैरेक्टर मिस्टीरियस कैरेक्टर क्यों है? कपेला कैरेक्टर आपको एवरी HP यानी कि आपको HP कहीं से भी मिले, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर से मिले, आप मेडिकेट से आपको HP मिले, जितनी भी आपको जहां से भी HP मिलेगी उसको 20% बढ़ा देगा। अब आप बैकग्राउंड के गेम प्ले में देखिए, मैंने एक मेडिकेट मारा नॉर्मल कैरेक्टर के साथ तो 75 HP मिली, लेकिन जैसे ही मैंने कपेला की एबिलिटी के साथ एक मेडिकेट मारा तो मुझे 85 HP मिली। तो कितना ज्यादा फर्क है कपेला की एबिलिटी के साथ। और इसकी एबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई, इसकी जो दूसरी एबिलिटी है वो तो और भी खतरनाक है जो कि इसको मिस्टीरियस बनाती है। और आप लोग अगर इस कैरेक्टर का अभी तक यूज नहीं करते हैं तो आप लोगों को इस कैरेक्टर का यूज जरूर करना चाहिए। जो आपका ब्लड लॉस होगा वो 10% कम कर देगा, यानी कि नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में 10% कम कर देगा। आप बैकग्राउंड के गेम प्ले में भी देख पा रहे होंगे जो नॉर्मल कैरेक्टर डाउन है वो कितनी जल्दी मर चुका है, लेकिन कपेला कैरेक्टर की एबिलिटी के साथ जब मुझे ब्लड लॉस हुआ तो कितना लेट हो रहा है। तो कपेला कैरेक्टर मिस्टीरियस तो बहुत ही ज्यादा है। इस कैरेक्टर को अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है तो स्टोर में जाकर बाय अभी के अभी करो यार। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कौन करेगा, अभी के भी लाइक करो। अब जो हमारी लिस्ट का चौथा कैरेक्टर है उसका नाम है फॉइल्ड कैरेक्टर। फॉइल्ड कैरेक्टर जोन सर्वाइव करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर है, गोल्ड में अवेलेबल है, अभी कभी जाकर के बाय कर लीजिए। फॉइल्ड कैरेक्टर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, 24% डैमेज कम कर देता है जोन का। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड के गेम प्ले में क्लैश स्क्वाड का जोन है और कितनी देर में मैं मर पाया हूँ, यानी कि इतनी देर में क्लैश स्क्वाड के जोन में भी मैं कितनी देर में मर पाया हूँ जो कि नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब जो हमारी लिस्ट का पांचवा कैरेक्टर है वो है बुलफरा कैरेक्टर। बुलफरा कैरेक्टर के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दें, बुलफरा कैरेक्टर की पूरी एबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा। ये वाला कैरेक्टर मिस्टीरियस क्यों है उसके बारे में भी पता लग जाएगा। अगर आप इस तरह की और कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप लोगों से हेडशॉट लगाते नहीं बनता है जो कि फ्री फायर गेम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।